जल्दी से बताई का खाले छोटका मालिक है कि ओहिजा मीरा के घरे भी बिजली चल गई है। मालूम है बा बिजली के हाथों कबो गलत ना हो सकेला ना कबो ना ये बिजली गोल करे के पीछे ना जरूर ओकरे ही हाथ होते। बहुत मारक मंत्र बाव करा लेकिन हमरा तो ना वो दिन ही शक हो गेल रे जे दिनों सैंडविच में मंत्र फूक के छोटका मालिक के भेज देले रहनी। बाप रे देखे में सीधा और बाप पे सीधा। बिजली इस सैंडविच कब गई है आपके मालूम भी नहीं के बहुत बुड़बक बनी आप छुटकी मालकिन तनी तेज बनी ना तई सहेली लेके कुल आपके पेट खाई बचा ली आपने तो हाथ कहा देता नहीं बचा ली लेकिन कैसे बिजली। अरे इमें इतना सोचे कि क्या बा काट लियो करा से रास्ता बस। काम नहीं थे ये जरूर हो जा बैठ के मीरा इनका पे मंत्र मार के इनके दिमाग अपन कब्जा में खा के मति भ्रष्ट कर देले होगी वही के नतीजा भाई इजली हाली से अपन छुट्टा मालिक के फोन करके सूचना दे दा और ये कह दिया कि एहजा बहुत हालत खराब बा। ये तो हम कही दे लेकिन अंत में नुकसान तो आपके ही भैलना छुटकी मालकिन ये सब जादू बा मीरा के जादू। सांचो आपके ऊपर जादू के असर शुरू हो गई बा खून देखनी है अपन अब अपन तनी सन खून देखी कि सुहा अगर सांचो में उलई की जादू करनी गया तो खून का जान देके भी बचावे पड़ी अपन सुहा। अब हम का जवाब दिया आपके पागलपन के कस के पकड़ के रखे हम बर्फ और हल्दी लेके आवा तनी दौड़ के। बिजली थैंक्स छुटकी मालकिन इस थैंक यू भी वो जादूगरनी के ही सिखाइल बानू जरूर इनमें भी ऊपर कोनो राज होगी देख ले बाप। अब राज रहे चाहे जादू इतना आसानी से तो हम खुद के और अपन सुहाग के केहू के शिकार ना बने थे। शुभ शुभ बोला बिजली शुभ शुभ ही हो कि छुटकी मालकिन पहले मीरा के फोन तो लगाई। बाबूजी, जी जादू उपटोना के आड़ में निर्दयता की सारी हद पार कर दे लाले। मजबूरी में उनके साथ हमके छोड़े के पड़ल। और तू उनका से मदद क्यों उम्मीद खतर? हाँ ले रहनी है मदद। वैसे एक बात मालूम है आपको, निर्दयी वो ना बल्कि आप एक कमजोर औरत रही। सच में तो कमजोर जादूगरनी ये बाबूजी से हमेशा 50 कदम पीछे ही रहनी। और वो बात नहीं करके आज भी अपने मन में जलन और ईर्ष्या बाबा न तो कोई अपने पति के। मीरा मालूम का बता रहा? हाँ अब चेतावनी देता नहीं, दूर रहो उनका से। वो हमारे बाबूजी भी बारे और गुरुजी भी। चुप, एकदम मुंह बंद। आपको छेड़ तो ना, शिक्षा काहे जरूरी होला? शिक्षा होला अगर तो सच और आरोप में अंतर मालूम करे के क्षमता होला एगो इंसान में। तू तू तो एगो चपाड़ लड़की बारू, एकदम चपाड़। अनपढ़ गवार और बुढ़वा, एकदम बुढ़वा। सहार हिम्मत कैसे भाई, हिम्मत कैसे भाई सहार हमार मीरा पर ऐसा घटिया आरोप लगावे के? हमार बेटा के मृत्यु के बारे में सोचने लू। पागल लड़की एगो सुहागन औरत सपना वाली का बोझ मत कर सोच सकी तू। अक्कल भरल बाप की गोबर एगो माई के आगे ऐसा सब बात बोले की साहस कहाँ से आ गया तोरा अंदर? आराम से माथा के चोट बा, बेसी प्रेशर मत दा। वैसे मीरा आराम से। वैसे मीरा कहाँ जात रानी? सिनेमा देखे टाइटेनिक। जादू मंत्र के असर हो गई बुझाता। निखिल झा अब तो हमार कब्जा में। क्या बात मुस्कुरात काहे मारो? हम खुश बानी ना कि तहार याददाश्त ठीक बा, वरना हम बहुत घबरा गए रहनी। बस तारा वजह से। अरे फिर चला भाई सिनेमा छूट जाए, कितना बजल? अरे ना अभी तो आराम करा, वो सब बाद में हो जाए। ये सब तहार जल्दबाजी की वजह से तो भइल बा। अरे धक हमरा वजह से तहार एगो और सिनेमा छूट गई। कोनो बात ना, नेक्स्ट टाइम सूट समेत वसूल कर ले। लेकिन का भाई अरे ओके? हाँ हम ठीक बना। रुका बोले के एकदम ना थैला। आयुर्वेदिक मैजिक कार्ड एक निरंतर सेवन करे के बाद ठीक। पति के सवाल बा तो दिमाग तो खराब होकबे करी। वैसे तू ये बतावा रानी के सांचों में तहरा साथे बा? हाँ माया दी, हमरा साथे भी और काबू में भी, जैसा चाहत रहनी। मतलब ये कि निखिल की छोटा सा एक्सीडेंट हो गए रहे, माथा में चोट और याददाश्त रफू चक्कर। खास करके वो देहाती श्यामा के। अतीत से लेके वर्तमान तक, नाम से लेके पहचान तक सब कुछ डिलीट हो गया। जे जरूरी रहे, मतलब ई कि निखिल की जे जान रहे, होकरे से ओकरा अनजान बना दिले तू। ठीक है, कमाल हो गई। साचो जादू गरनी बाड़ू तू मीरा, ग्रेट। बहुत जल्दी पकड़ लेनी। अब एक अध्याय समाप्त तो दूसरा अध्याय शुरू। अब दूसरे अध्याय में ई बात ध्यान देवे के बाद कि श्यामा निखिल के दोबारा याद ना आवे के चाहिए। निम्मन से तैयारी कर ला, पहुँचे वाली दिया। स्वागत बाबा। हम तो श्यामा के बस ई घर से निकाले के फिराक में डाली, लेकिन ई लड़की तो ओकरा दुनिया से निकाले के प्रोग्राम बना ले दिया। नींद न क्या आवत का? हमार नींद आपके दुलरवा पुतो हुडा देले बिया। सूत जा सब भुला के। सूत जाए? अरे जेकर बेटा के कौनो अता पता नहीं थे, जेकर ऐसा मूर्ख और गवार पुतो बेटा गेल बिया जी आपन मुँह से आपन पति के मुँह। राम राम, भगवान करे कि सब कुछ शुभ होगी, सब शुभ होगी, सब कुछ शुभ होगी। काहे अपना टेंशन लेत पड़ी? अरे घंटा भर से निखिल के फोन बंद आवता। हमार जी बहुत घबराता जी, पता ना हमार बेटा कहाँ होगी, कैसन होगी। अच्छा घबरा मत, हम देखा तनी, हम भेजा तनी के होके, ठीक नो? चला तनी मुस्किया दा। जबले हमार निखिल हमार आँख के सामने ना आ जाए, हमार हंसी खुशी कुछ भी ना लौट जाए, कुछ भी ना। कहाँ चल गई मीरा? कहीं किचन में तो नहीं थी? हमार मन मुताबिक सब काम संपन्न होके के चाहिए। हमारे सालों की तपस्या के फल निखिल आज हमेशा खातिर सिर्फ हमार और हम निखिल के। अब मीरा और निखिल एक हो, एक जिस्म, एक जान, एक जहान, एक अरमान। बिजली ए जा। जगने की हो जाता, लेकिन गंध इतना अजीब का है बा। चले धीरे बिजली, चलिए छोटी मालकिन नहीं जाते, समय बर्बाद मत करें। दरवाजा कैसे खुल गई? कहाँ बाड़ी? कहीं हमने गलत जगह तो ना खोज रही हाँ बिजली? जगह से हिपा के गलत पता ना, लेकिन जी हो रहा बा बहुत गलत बा। छोटकी मालकिन, अब तो हमार मन भी खबर आता। दुख के सागर पार करेगी बस एक के नैया बा बिजली। कृष्णा ना स्मरण कराऊंगी। कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तू अपना कान से सुन ले वो कि वो लोग ठीक बा, ठीक बा नू? जौन लांगड़ घोड़ी पे आप दाव लगावले बानी नू, देख ली एक ना एक दिन तू विश्वास पूरा घर के एक साथ ले डूबी। अरे फोन करे कि का जरूरी बा, हमार फोन उठा के जवाब नहीं दे सकत का, इतना कौन काम में व्यस्त हो गए बियाओ? ऐसा कौन काम आ गए? बस हमार निखिल के खोज के लाई बस। हाँ ठीक बा, निखिल के तो फोन बंद आवता, हम श्यामा के फोन करता नहीं। छोटी मालकिन, अब पूरा सभाता देहिता हो था, बताई मालिक। छोटी मालकिन, घर के गार्जियन बाड़े हो, उनका किस तरह मालूम हो के चाहिए? फोन उठाई बतावे से पहले कम से कम इतना पता कर ली कि का होता है। का चक्कर चलैली बियाई मीरा त्रिपाठी। का भाई और ना उठवनी ना हसन लापरवाह और गैर जिम्मेदार लड़की हम आज तक अपन जिंदगी में कबो नहीं के देखनी। ऐसे ही दर्द से माथा फटन जाता था, ऊपर से ये आवाज। अरे प्रॉब्लम का भाई देखी? लेकिन शांत शांत, प्रॉब्लम ना पागलपन बा, पागलपन। मीरा दरवाजा खोला, सुनी हमारी बात, दरवाजा खोली एक बार। तोड़ दे छोड़ के मालकिन, ये ऐसे ना खोली। मीरा दरवाजा खोला ना तो हम दरवाजा तोड़ दे। जो पागल भी आई लेगी, अरे जाके देखा ना था दरवाजा तोड़ दे। वैसे वैसे के भी आई लेगी देहाती बुच्चड़, जैसन बिजली वैसा लोग का दोस्त। निखिल कहाँ? अरे मीरा हमरा के जाके समझावे दा ना तो चिल्ला चिल्ला के हमार दिमाग फाड़ दी लेकी। निखिल कई बेकार लोग उलहत बा कि तू अपन कीमती दो सेकंड दो शब्द खर्च करे दे खातिर चल देला। अरे लोग खुद थक हार के चल जाए। निखिल यू टेक रेस्ट, प्लीज हैव रेस्ट। ठीक बा हम देखा तानी ये दरवाजा कितना दिन बंद रही, हम एजा ही बानी तीन दरवाजा के सामने। और याद रखिया जब तू दरवाजा खुलबू ना तो सबसे पहले हम ही दिखा। श्यामा जा। देखा कोनो दूसर के धन से धनवान जरूर हो सकेला मीरा त्रिपाठी, लेकिन कोनो दूसर के सुहाग से केहू सुहागन ना चाहली। ऐसे ही केहू दूसर के कोस से केहू मां ना बनेली। खोलो दरवाजा। जायदा हमला मीरा। जरूरी नहीं के खुद चल जाये वो लोग। ठीक बा चल जाये हम, वचन देता नहीं तारा। लेकिन श्यामा अपन घरवाला के लिए बिना हिली बिना जाते, या तो श्यामा अपन घरवाला के हाथ थाम के जाइए जाते ना तो ओकरा कंधा पर अपन प्राण त्याग के। बहुत हो गई बकवास। अरे निखिल वो पागल बिया, कहाँ होकर बात पे ध्यान दे रहा तू? पागल अभी हमार पागलपंता तू नहीं देख लू मीरा त्रिपाठी, और तहार जादू के सारा असर एक बार खत्म हो जाए। और याद रखिया पतिव्रता सुहागन से पाला पड़ा। इनफ! बहुत हो गई बकवास, अब हमरा की बात करे था। निखिल ओके अगर तू यह चाहत बड़ा तो हम जाके बात करे तानी। डॉक्टर तहरा के बेसी बात करे से मना कर लेबा। प्लीज ट्रस्ट मी निखिल, हैव रेस्ट। हमरा लगी बा एक पागलपन के इलाज अभी कर देता नहीं। ठीक बा मीरा जा, लेकिन बंद करा वही आवाज। ये आवाज हमरा के पागल कर दे। प्लीज जा बंद करा वही आवाज। ठीक बा तू आराम करा, हम देखा तानी। रिलैक्स। थैंक यू सो मच। कह रहा है कि 24 घंटा बाद ही गुमशुदगी के कंप्लेंट दर्ज होला तो इंतजार करे के पड़ी। घंटा यह नियम बामा। अरे के कहले रहे लोग के ये सब नियम कानून बनावे खातिर? ममता व्यक्ति विशेष के हिसाब से नियम ना बने, सरकार के अपन मापदंड होखेला। और आगे पूछत रहले कि निखिल और श्यामा एजा खुश रहले कि ना। का मतलब बा ये सब सवाल के? माँ ई तरह के केस में 1000 सवाल उठेला तो जवाब तो देवे के पड़ी। वो दिखल जाएगी। आगे पुलिस के संदेह बा कि कहीं लड़ झगड़ के अपन मर्जी से तो दोनों कहीं ना चल गई। मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा करके फिर एक के संग केहू चल जाये का? ना बाबूजी, लेकिन पुलिस के अनुमान बा कि निखिल और श्यामा ई घर में सब लोग के विध व्यवस्था से खुश ना रख पौले होके, उहे से दोनों मिल के निर्णय ले होगी। एकदम बकवास बात बा। निखिल और श्यामा हमेशा से एक दूसरा संगे खुश रहे, खाली बोल देवे से हो जाएगा? बाबूजी बोले से ना होगी, लेकिन एक बार आप दोबारा से सोच के बोली कि आप जे कह रही है का उस सच बा। एक मिनट मछली धुलाई, हमरा तो ई नहीं बुझा कि यहाँ खुशी और दुखी ये सब प्रश्न बीच में कहाँ से आ गयी? माँ ये प्रश्न पुलिस के बा, हमार ना। निखिल हमरा ऊपर श्यामा के कबोला चुना कबोला। माँ ब्याह के बाद लड़का लोग खातिर पहला प्राथमिकता होकर पत्नी रहेली। माँ ना उफ बंद कराई कुछ चाह के बात कहाँ ले पहुँच गई? परदे दोलेन बिजली का कोनो खबर भेटाइल का? बाबूजी उहो लापता बिया। पूरा घर उछड़ गई बाबा। पता ना हम केकरा केकरा दोष थी। हमरा बुझा दारू हमारे भाग्य ही खराब बा। मीरा को लोग साधारण लड़की नहीं है, वो बहुत खतरनाक जादूगर निकलिया जादूगर। वो मीरा छक्का मालिक के जान लेवे के प्रयास में लगल बिया। बिया का के खाता नहीं। हम आपके आगे हाथ जोड़ता नहीं बाबूजी। बचा ली अपन बेटा, बचा ली हमार सुहाग के वो जादूगर निकल। श्यामा साथे बिजली भी गायब बिया। अंतिम बेर वो लोग ई कहे आयल रहे कि मीरा जादूगरनी बिया। ओकरा बाद दोनों के कोनो ट्रेस नहीं है। जादूगरनी, अब ई कौन नया रहस्य आ गई। तू लोग रुका, हम मीरा के घरे देख आए। कहीं ऐसा तो ना कि वो दोनों लुका छिपा के मीरा के घर चल गए होके। शिक्षा आपन जगह बा, रंग रूप आपन जगह बा, आपन शकल कबो देखले वालू शीशा में हमार बगल खड़ा होके के औकात नहीं के, पर जीवन में हिस्सेदारी चाहिए। इतनी औकात से बेसी ना हो गई। श्यामा काका तरन श्यामा निखिल जा। झूठ, फरेब, ये हर सीमा पार का देले पड़ो। तो हम निखिल नरेंद्र झा, हजारों करोड़ का मालिक, देश के चंद शख्सियत में से एक। वो घर घरवाली पड़ो तू, जकरा के शिक्षा के नाम पे ए से जेड तक भी ना आवेला। मालकिन, बिजली तुम ले लू अपन कान से आज। इतना छोटका मालिक हमरा बारे में का सोचे ले। नौकरानी से बदतर ख्याल पाऊं के हमरा बारे में इतना नीच विचार। अरे ना आप बेकार में परेशान हो रही है। मुझे बोलत रहे उके हो और रहे आपके घरवाला या हमार छोटका मालिक ना। अरे वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े, सपना में भी केहू से ऐसा बात ना कर सकेले। वो हमार छोटका मालिक ना केहू और रहे। कहानी मत छोटकी मालकिन, सब ठीक हो जाये, हमारे विश्वास करी। वो लेकी बहुत बड़ जादू के ले बिया, उपरा तो नरक में भी जगह ना मिली। जादू ना बिजली, वो एक एक शब्द साँच रहे जितना छोटका मालिक के सीना पर बोझ बन के पड़ल रहे। और आज मौका देख के बाहर आ गई बा। ओके जादू ना बिजली हमार असलियत असलियत नाना वो लेके सम्मोहित के ले बिया। बुद्धि हो सब हार ले बिया उनके। देखी छोटकी मालकिन, अगर आप ऐसे टूट जाए तो वो लेके मीरा की जीत हो जाये, आपके आंसुओं का ताकत बन जाये। हाँ, आपके डरों का हौसला ना। अपन हौसला कम होवे देवे के बा, ना ओकर ताकत बढ़े देवे के बा। धीरज रखी, जीत आपके ही होखी। आप भी घरे चली, मालिक मालकिन सबके लेके वापस आवे के बा। फिर दल बल के साथ ही छोटका मालिक के ले चलल जाई। आई चली, लेकिन बिजली एजा उनके अकेले छोड़ के कैसे। अकेले कहाँ छोटकी मालकिन, कृष्णा बड़े न उनके साथ। और उनसे बढ़कर जादूगर बा का केहू तीनों लोग में जी बंसी बजा के महाभारत करवा देले रहले। भूत न भविष्य न वर्तमान, बस मेरा बुझाता कि साल भर के कसर आजे निकाल ली।